हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडियोलॉजी करियर। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल रेडियोलॉजी करियर में। फ्रेंड्स, आपको पता है कि पिछले मैंने कई सारी वीडियो बनाई जो आपके लिए हेल्पफुल हुई है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियंस के, एक्सरे टेक्नीशियंस होते क्या हैं और यहाँ पे उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, कैसा कोर्स होता है, कोर्स का लेवल क्या होता है और कितना ड्यूरेशन होता है, इन सभी से जुड़ी सारी डिटेल्स आपको फुल एक्सप्लेन करने वाला। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को बिना स्किप करते हुए। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे नेम ऑफ कोर्स, कोर्स का क्या नेम है, तो कोर्स का जो नेम है वो डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कोर्स लेवल की बात करें तो डिप्लोमा होता है, इसे यूजी कोर्स में भी शामिल किया गया अंडर ग्रेजुएट। और ड्यूरेशन की देखें, यहाँ पे 2 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है। कोर्स मोड फुल टाइम होता है और एग्ज़ाम टाइप की बात करें तो यहाँ पे एनुअल होता है और सेमेस्टर वाइज भी होता है, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पे देखी जाए तो आपको 45% मार्क्स चाहिए 10+2 कंपलसरी, साइंस स्ट्रीम से और मैथ स्ट्रीम से यहाँ कोई भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे दे रहा हूँ मैं सब्जेक्ट परफॉर्मेंस जो है पीसीबी एंड पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ भी यहाँ पे ले लिया जाता है एडमिशन। एडमिशन या सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस पे भी होती है, मेरिट बेस पे भी होती है। यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म निकालती है, उसमें आप इंट्रेंस दे के भी जा सकते हैं। और कोर्स फी की बात करें तो यहाँ पे 50,000 से 1,50,000 तक होता है फ्रेंड्स। कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाइज फीस अलग अलग होती है। एवरेज इनिशियल सैलरी यहाँ पे 1 लाख से 2 लाख होता है, ये आपके लिए एनुअल के हिसाब से दिया गया। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। एरिया एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक लेबोरेटरी, यहाँ पे आपका काम होता है, यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियंस का वर्क होता है। डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी सिलेबस की हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में जो हमें पढ़ना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने बताया ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना होगा। और सेकंड सब्जेक्ट होता है आपका रेडियोग्राफिक टेक्निक एंड डायग्नोस्टिक, थर्ड होता है रेडियो डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी इक्विपमेंट्स, चौथा आपका रेडियोग्राफी पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल प्रैक्टिस, पाँचवा बेसिक ऑफ रेडियोग्राफी और सिक्स्थ आपका आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसे हम ECG के नाम से भी जानते हैं। तो आपका फर्स्ट ईयर का इतना सिलेबस। और सेकेंड ईयर में हम बात करें तो सेकेंड ईयर में भी कुछ खास ही होगा। यहाँ पे रेडियो डायग्नोस्टिक रिजल्ट कॉरिलेशन पढ़ना होगा, क्लिनिक हेमेटोलॉजी केमिस्ट्री एंड यूरिनलिसिस, थर्ड डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी, चौथा आपका यहाँ रेडियोग्राफिक टेक्निक, फिफ्थ आपका जो होगा यहाँ पे रेडियोग्राफिक इमेज एक्विजिशन और सिक्स्थ आपका जो है लास्ट यहाँ पे बेसिक फिजिक्स आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपकी इंटर्नशिप होती है फ्रेंड्स। इंटर्नशिप के बाद आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाती है और आप एक टेक्नीशियन बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी डिटेल, अगर जो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो। और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक यू फ्रेंड्स।